तो आज हम लोग समझेंगे सिंपल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। चिल्ड्रेन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो, ये एक सिंपल रॉड है जो इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है, ठीक है। बस यही है सिंपल मशीन। कैसे? मशीन इज समथिंग विच मेक्स द वर्क इजियर। तो हम लोग एक 50 ग्राम के मास को अगर हाथ पर उठाते हैं तो हमें कितना फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा? 50 ग्राम फोर्स। लेकिन अगर मैं इसी 50 ग्राम फोर्स को इस सिंपल रॉड, जिसे हम क्या नाम देंगे, लीवर, इस लीवर की हेल्प से 50 ग्राम फोर्स के वेट को हम 20 ग्राम फोर्स लगाकर, मतलब 50 ग्राम फोर्स से बहुत कम फोर्स लगाकर हम इसको इस लीवर की हेल्प से उठा सकते हैं। तो हो गया ना हमारा काम आसान। देखो कैसे करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ तो देखो तुम, ये लीवर इस तरफ झुकने लगा और ये मास जो है ना, ये गिर जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं 20 ग्राम फोर्स के एक मास की हेल्प से इसको यहाँ और 20 ग्राम फोर्स को इधर रख के इसे बैलेंस कर लूँगी। तो ये रहा हमारा 20 ग्राम फोर्स और ये रहा हमारा 50 ग्राम फोर्स। मैंने क्या किया, 50 ग्राम फोर्स को इस पॉइंट के, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लीवर का फलक्रम, इसके बहुत पास रखा और फिर एडजस्ट किया इससे, इस पॉइंट से 20 ग्राम फोर्स की डिस्टेंस को। अब 50 ग्राम फोर्स जब इस स्केल को या रॉड को इधर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है तो ये 20 ग्राम फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए टॉर्क लगाकर इसे नीचे झुकने से बचा लेता है। तो सिर्फ 20 ग्राम फोर्स के बराबर फोर्स लगाकर हम 50 ग्राम फोर्स को उठा पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा काम आसान हो गया और ये सिंपल सी रॉड, जिसे हम लीवर कहते हैं, दिस हैज बिकम अ सिंपल मशीन। नाउ केयरफुली अंडरस्टैंड, द वेट विच वी आर लिफ्टिंग अप इज कॉल्ड लोड, द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग टू लिफ्ट द लोड अप इज कॉल्ड एफर्ट, दिस होल रॉड इज कॉल्ड लीवर एंड दिस पॉइंट अबाउट विच दिस रॉड कैन रोटेट इज कॉल्ड फलक्रम। तो अब हम लोग सिंपल मशीन का आइडिया समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सिंपल मशीन कितनी बढ़िया है। इसके लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, कि हमको इस सिंपल मशीन से कितना एडवांटेज या फायदा हो रहा है। और उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड विच इज लिफ्टेड अप अपॉन एफर्ट, दैट इज 50 ग्राम फोर्स अपॉन 20 ग्राम फोर्स। और जब आप 50 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू एक से ज़्यादा कितनी आएगी, 2.5, एक से ज़्यादा। इसका मतलब कम फोर्स लगाकर हम ज़्यादा बड़ा वेट उठा पा रहे हैं, तो हमको फोर्स मल्टीप्लाई करके मिल रहा है इस मशीन से। दिस मशीन इज वर्किंग, दिस रॉड इज वर्किंग एज फोर्स मल्टीप्लायर, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, देन मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर।